विधानसभा चुनाव में हार के बाद खानपुर से पूर्व विधायक उमर प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर हमला बोला है। चैंपियन ने खुद को असली चैंपियन बताते हुए उमेश कुमार को मेंढक बताया। आज को जानने के लिए, वर्तमान को जानने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य है। परिस्थिति क्यों पैदा हुई? कुछ मेरे पत्रकार साथी थे उस समय जो बार बार नेगेटिविटी में बोल रहे थे कि आप क्या शब्द था वो बाहुबली, और आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्यों बोलते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो भाई साहब, मुझसे थोड़ा वही पूछ लो जो मैंने काम किए। बताएं कि विकास क्षेत्र समरीर में एक प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों ने प्रधान और प्रधानाध्यापक की शिकायत उपजिलाधिकारी से की। दातागंज उपजिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। आया है और इसकी जांच की जा रही है, और उसमें जो भी मतलब घटिया सामग्री का प्रयोग करने की शिकायत है, इसकी जांच करके उच्च अधिकारियों को मतलब अगर भेजी है तो कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में व्यापारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति आक्रोश जताया है। शाहगंज क्षेत्र में व्यापारियों के मुताबिक नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा शाहगंज बाजार समिति के व्यापारियों को समझाने का प्रयास चल रहा है। आगरा में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला। बता दें कि सफाई कर्मी समय परिवर्तन करने से आक्रोशित हैं, जिसके बाद कर्मचारी नगर निगम परिसर के सभी कार्यालयों में तालाबंदी कर दी है। सफाई कर्मी पुराने टाइम शेड्यूल लागू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य कारण है कि आप सबको ज्ञान होगा और जानकारी है पत्रकार बंधुओं को कि जो 5 बजे की नगर विकास मंत्री ड्यूटी की है सफाई कर्मी महिलाओं की, आप ये बताइए 4 बजे उठ के वो खाना बनाएंगी, बच्चों को कब भेजेंगी वो? अगर 5 बजे ड्यूटी आए तो पढ़ने बच्चों का हमारा 20 साल समाज पीछे हो जाएगा 20 साल। हमारे उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने एक हिटलर शाही आदेश शाम को 6 बजे दिया वर्चुअल मीटिंग में कि जो सफाई कर्मचारी सुबह 7 बजे आता था अब वो सुबह 5 बजे से काम करेगा। अब हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है क्योंकि 50% इसमें महिलाएं हैं, अगर महिलाएं सुबह 5 बजे आएंगी तो कम से कम इनको 1-2 घंटे 1.5 घंटे पहले उठना पड़ेगा, यानी 3:30 बजे। अब 3:30 बजे जब महिलाएं उठकर अपने ड्यूटी पर आएंगी तो अपने बच्चों को तैयार करके नाश्ता वास्ता बनाकर कैसे भेजेंगी। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की तस्वीर महल प्रांगण में खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने तस्वीर महल एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और वहां खड़ी कार और कई वाहनों में आग लग गई। सिनेमा हॉल में गर्मी के टेम्परेचर के अचानक मुझको अभी अवगत हुआ अभी 1 घंटे पहले कि इसमें आग लगी, क्योंकि पीछे अभी हॉल पड़ा परिसर बंद, इसमें झाड़ वगैरह बरसातों की वजह झाड़ जंगल हो गई तो वो गई है सूख, और सूखने के बाद में अचानक आग लग गई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन करा 112 नंबर पर, लेकिन 112 पर डायल ना हो गया, मुझे मजबूरन कंट्रोल ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ पर नोट करा कर आया, उसके बाद उन्होंने अवगत कराया कि अभी जल्दी हम फायर की गाड़ी भेज रहे हैं। अलीगढ़ में बिना बिहाए 2 साल की बछिया ढलटर दूध दे रही है, वही बछिया को देखने वाले लोगों का जमावड़ा लग रहा है। इस तरह का चमत्कार देख लोग अचंभित हैं। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के कसुआ गांव का ये पूरा मामला। बरेली में सपा विधायक शहजल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, जहां बीडीए विभाग ने सपा विधायक पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल 5 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर विधायक ने तीखी टिप्पणी की थी। सपा विधायक शहजल इस्लाम भोजीपुरा सीट से विधायक है। बिजनौर में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि एक हत्यारोपी ने ग्राम समाज के जमीन पर कब्जा किया था, जिसे पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बिजनौर के सुहाड़ी इलाके का ही पूरा मामला। बुलंदशहर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। चमोली में पुलिस के निर्देशन पर लगातार नशे के तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए समस्त थाना स्तर पर थाना प्रभारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। हमीरपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर विधायक मनोज प्रजापति ने जिला अस्पताल सदर का निरीक्षण किया, साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों को विधायक ने फल वितरित किए। तारीख से प्रारंभ करके और इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस तक ले जाना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है और हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी ये दृष्टिकोण है कि इन दिनों में जो समाज के जागरूकता के कार्य हैं वो होते रहने चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में कल तो हम लोगों ने एक गोष्ठी की थी और रोज़ कोई ना कोई नए कार्यक्रम है, जिसमें आज भी हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया था और जो यहाँ पर जिला अस्पताल में हमारे मरीज भर्ती हैं उनको
प्रतीकात्मक रूप से कि कैसे वो पोषित रहे, फल वितरण का काम किया है तथा अस्पताल में जो चीज़ें हैं उनको भी देखने का काम किया है। पाला चल रहा है, कल हमारा 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस था। पूरा पखवाड़े में हम कई तरह के कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए गए हैं। उसी के तहत आज हमने सुबह स्वच्छता अभियान किया है, अपने मरीजों को फल वितरण किए हैं माननीय विधायक जी के साथ में। और अभी हम लोगों ने यहाँ के देखा है जो यहाँ की समस्याएं हैं, डॉक्टरों की और लेफ्ट की और कई तरह की समस्याएं हैं। उधम सिंह नगर के हटिवा के झनकट शहर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में दिनदहाड़े लुटेरों ने तमंचा चाकू की नोक पर 4 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय डिटेल जारी की है। बता दें कि 2020 से 21 के मुकाबले 2021 से 22 में 25,226.62 करोड़ प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ा है।